हाँ जी हवाई परम पिता और परमात्मा में क्या अंतर? परम शब्द जब कहा जाता है उसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट एक होगा या अनेक होंगे, ऐसे ही कहते हैं परम। क्या क्या कहते हैं? परम। तो कोई से भेंट की गई कि नहीं? परम शब्द आया तो एक की औरों से भेंट की गई या नहीं की गई? है की गई। जब कहा परम पिता तो किससे भेंट की गई? अरे दुनिया में जितने भी लौकिक बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, या धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता है, उन सब पिताओं से भेंट की गई कि नहीं? परमपिता की कि नहीं की गई? अरे अरे दुनिया के जितने भी पिताएं हैं सभी पिताओं से ऊंचा परम कौन है जो परम पद प्राप्त करने वाला है? परम धाम में भी बौद्धिक स्तर से आत्माएं ऊंचाई पर होंगी या सब एक ही ऊंचाई पर होंगी? है बौद्धिक स्तर से जो आत्माएं ज्यादा तीव्र होंगी, ज्यादा जिन्होंने याद की पावर भरी होगी, वो परे से परे परम स्टेज पर होंगी। तो उन आत्माओं में जो परम धाम में टिकी हुई हैं, उनमें सर्वोपरि कौन है जो सांप को घेर के रखा हुआ है? वो कौन सी आत्मा है? अरे कौन है? इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, कौन है? झाड़ के चित्र में भी तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को उनके फॉलोअर से ऊपर ही दिखाया गया ना। तो परम पिता कौन है? शंकर परम पिता, उसका बाप कोई नहीं है, है? हाँ, उसका भी तो कोई बाप है, है? साकार में कोई बाप नहीं होता ना? अच्छा, अभी शंकर साकार में है या नहीं है? शंकर तो साकार में, शंकर साकार में है या नहीं है? है। तो वो अपन कोई बाप मानता है कि अपन से ऊंचे किसी और को बाप मानता है? है? अपने से ऊंचे को बाप मानता है, और उससे जो ऊंचा है वो अभी संगम युग में शंकर की दृष्टि में ऊपर बैठा है या नीचे आ गया होगा? है? नीचे आ गया है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो है कि नीचे आ गया, जो अज्ञानी है वो तो ऊपर ही समझते हैं। तो शंकर की दृष्टि में जो ऊंचते ऊंचे बाप है, जो नीचे आ गया है, उसके लिए मुरली में बोला है, तेरी दृष्टि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। ऐसे क्यों बोला? तेरी दृष्टि में, इनकी दृष्टि में नहीं, उनकी दृष्टि में नहीं, क्यों बोला? ये तेरी शब्द किसके लिए कहा जाता है? एक के लिए कहा जाता है या बहुतों के लिए कहा जाता है? एक के लिए बोला। तेरी दृष्टि में शिव बाबा, ये भी मुरली में समझा दिया कि साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। फिर भी बोला,
कि तुमसे जब कोई तेरे से जब कोई बात करेगा शिव बाबा, या तेरे मुख से जब निकलेगा शिव बाबा, तो शिव बाबा कहने से तेरी बुद्धि में साकार में निराकार याद आएगा या बिंदी ही याद आवेगी? बिंदी याद आवेगी। इससे साबित हुआ कि चित्रों में शंकर को जो याद में बैठा हुआ दिखाया गया है वो किसको याद करता है? है वो भी शिव ज्योति बिंदु को याद करता है। क्यों? वो शिव ज्योति बिंदु को याद करता है तो विधर्मी हुआ या सुधर्मी हुआ? है बताओ, मुरली में तो यही बोला है कि जो निराकार को याद करते हैं वो स्वधर्मी हैं या विधर्मी हैं? विपरीत धर्म वाले हैं। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो अंतिम जन्म में विधर्मी है या स्वधर्मी है? है? स्वधर्मी है तो बिंदु को क्यों याद करता है, निराकार को क्यों याद करता है? उसे साकार में निराकार को याद करना चाहिए। है साकार में निराकार को याद करता है, है? अरे अभी तो बोला तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, साकार याद नहीं आवेगा। तो बताओ वो विधर्मी है कि स्वधर्मी है? है? अरे मुरली में तो बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो जो नास्तिक होते हैं विधर्मी होते हैं या स्वधर्मी होते हैं? है विधर्मी होते हैं। जो विधर्मी होते हैं वो साकार में भगवान को नहीं मानते, और जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है वो साकार में किसी को भगवान मानता होगा? है? अरे मानेगा? वो मान ही नहीं सकता। तो वो सब धर्म पिताओं का भी पिता है प्रजापिता, जिसको दूसरे धर्म वाले भी एडम और आदम कहते हैं। लेकिन उसका भी कोई पिता है या नहीं है? वो मानता है किसी को अपना बाप या नहीं मानता है? मानता है। तो वो है परमपिता जिसका कोई बाप नहीं। अगर उसका कोई बाप हो तो परमपिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो वो एक है परमपिता। क्यों है परमपिता? क्योंकि और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उन सब आत्माओं के बीच में तुरिया पार्ट बजाने वाली है, बिल्कुल अलग थलग पार्ट बजाने वाली आत्मा है, इसलिए सबका बाप है परमपिता। उसे परमात्मा कहेंगे, उसे सिर्फ परमात्मा कहेंगे? अरे अरे परम शब्द जब बोला जाता है तो भेंट में बोला जाता है, किसी से भेंट की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है तब बोला जाता है या बिना भेंट के बोला जाता है? भेंट की जाती है। तो परम पिता की भेंट तो आत्माओं से की गई, उन आत्माओं के बीच में परमपिता वो प्रजापिता भी है, उसका भी बाप है। लेकिन जब बोलते हैं परम आत्मा तब किससे भेंट की गई? आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली
जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं कर्मेंद्रियों से, उसको कहा गया आत्मा, और उन सब में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, ड्रामा में हीरो पार्टधारी से ऊंचा पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा होती है क्या? नहीं होती। तो वो है परम आत्मा। कैसी आत्मा? परम पार्टधारी। क्यों? शिव को क्यों नहीं कहेंगे परम पार्टधारी? है? हाँ, वो तो पार्ट में आता ही नहीं है, अकर्ता है। वो कुछ करता है? जो करता है सो भोगता है या नहीं है? और वो तो करते हुए भी नहीं करता, अकर्ता है। और प्रजापिता वो करता है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब करता है, करती हैं सो भोगती हैं। अच्छा करती हैं तो अच्छा भोगती हैं, और बुरा करती हैं तो बुरा भोगती हैं। भगवान के लिए कहेंगे हैं? अच्छा करता है तो अच्छा भोगता है, स्वर्ग में जाएगा, और बुरा करता है तो बुरा भोगेगा, नरक में जाएगा। भगवान तो नरकवासी बनता है और ना स्वर्गवासी बनता है। इसलिए वो परम आत्मा नहीं है ज्योतिबिंदु शिव का नाम, शिव का टाइटल। वो परम आत्मा टाइटल किसका है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो मनुष्य सृष्टि के बीच में हीरो पार्टधारी है, उसका टाइटल है परमात्मा। अगर नहीं होता उसका टाइटल तो परमात्मा पहले और परमपिता बाद में भी बोला जा सकता है, परंतु क्या बोलते हैं? परमात्मा परमपिता कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि परमात्मा बड़ा है ही नहीं। कौन बड़ा है? परमपिता ही बड़ा है। और जो दुनिया में गायन है, जो आज मुरली में भी बताया, आत्मा सो परमात्मा, तो भक्ति मार्ग में ये जो गायन चल रहा है आत्मा सो परमात्मा, ये क्या 100% झूठा है? झूठा होता तो ये गायन ही क्यों होता? आत्मा सो परमात्मा तो जरूर कोई न कोई आत्मा तो है ना, जो आत्मा होते हुए भी परमात्मा का पार्ट बजाती है। आत्मा सो परमपिता कहा है? कहा कभी भक्ति मार्ग में आत्मा सो परमपिता? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा है? कि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है मनुष्य आत्माओं में से, पार्ट बजाने वाली आत्माओं में से, जो परमपिता का पार्टधारी हो, परमपिता हो। और बाबा गुरु जी ने बाबा कौन था परमधन को अभी भी खाली नहीं रहता है, इसका मतलब क्या है? जैसे रहत है, बाल्टियां भरती हैं और ऊपर जाती है और खाली होती है। जब ऊपर वाली बाल्टी पूरी खाली होती है तो नीचे वाली पूरी, ऐसे ही है। अरे बाल्टियों का वो देखा है चक्र, कुएं में बाल्टी जाती हैं और नीचे से भर के आती हैं और एक तरफ खाली होके जाती हैं, तो देखा ना कि ऊपर वाली बाल्टी जब खाली होती है तो नीचे वाली भर जाती है, ऐसे ही है। परमधाम कभी खाली नहीं रह सकता। और मोर के पांव गंदे क्यों होते हैं? पांव है ना, पांव कलयुग है या सतयुग है? कलयुग है। मोर में तो कलयुग तो गंदा ही होगा। अरे उसे पूछ लेने दे, पेट भर जाए बेचारे का। हाँ बोलो।
हाँ मोर तो वो पवित्रता होती है ना उसमें, तो उसके पाँव क्यों डल जाते? अरे मोर जो पवित्रता है वो है तो आत्मा ना, है या नहीं है? तो क्या वो कलयुग में नहीं पैदा हुआ है? सतयुग में जो मोर होगा उसके पाँव गंदे होंगे? उसके तो पाँव भी गंदे नहीं होंगे। और एक अव्यक्त बारे में बोला है कि प्यार की निशानी है साथ रहना, साथ है? प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना, लेकिन दिल से साथ रहना। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहते हैं, शरीराम नहीं कहते हैं। तो साथ रहना माना क्या? बाप अभी माउंट आबू में है तो माउंट आबू में थोड़ा ही कहा जाएगा। अब जहां है वो तो पहचानना पड़ेगा ना, ज्ञान से पहचानेंगे या किसी के कहने से पहचान देंगे? जो किसी के कहने से मान लेते हैं वो तो भगत हो गए कि इन्होंने कहा कि इसमें भगवान आया हुआ है इसलिए हमने मान लिया। ऐसों से जब पूछा जाता है कि साबित करो इनमें भगवान आता है, कैसे माने हम, तो कहेंगे सो हम नहीं समझा सकते। तो उनको भगत कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? वो तो भगत की लिस्ट में हो गए। ज्ञानी वो है जो कारण और कार्य का विश्लेषण करके बताए कि ये भगवान है और इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान हो नहीं सकता। वो भी इसी कारण बताए देंगे। कोई कहे अरे देखो भगवान के तुम कहते हैं कि इनकी कितनी ग्लानी हो रही है, तो बताओ हमारे गुरु ने बताया है कि भगवान की जितनी ग्लानी होती है उतना दुनिया में कोई की ग्लानी नहीं होती। तो ये भगवान का परिचय है या नहीं है? ये भी भगवान का परिचय क्या कि इस दुनिया में अभी प्रैक्टिकल में देखो कि सबसे ज्यादा ग्लानी किसकी होती है? सबसे ज्यादा जिसकी ग्लानी होती हो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, वो ही भगवान हो सकता है, दूसरा भगवान नहीं हो सकता है। तो इसी तरह की ढेरों बातें बता दो तो कहेंगे ज्ञानी, और प्रूफ कुछ भी नहीं। बाबा ने क्या बोला? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात नहीं मानते हैं। और परम पिता परमात्मा लग रहा है कि समझ में आया है? परमात्मा का पास परम धाम निवासी है, परम पिता कहाँ बन गया है? बोलो परम पिता और परमात्मा अलग अलग है, वो तो समझ में आया। परमात्मा परम धाम निवासी है, परमात्मा कहाँ बन गया? परमपिता परमात्मा परम धाम वासी है, दोनों एक ही। जो परमपिता है वो किसमें आया हुआ है? परमात्मा में। जब आया हुआ है तो बुद्धियों से वो ऊपर रहता है या गड्ढे में रहता है? है, है? कहाँ रहता है? बुद्धियों से वो ऊपर रहता है। अगर मनुष्य है तो मनुष्य तो भोगी है, भोगी कहां रहेगा? और तो गड्ढे में ही रहेगा। तो कहां का वासी है? और अजय तिवारी का महावाक्य है कि बंगाल और बिहार जो श्रीलंका में अच्छा जनता है, है? बंगाल और बिहार श्रृंगार करना अच्छा जानता है, बिहार श्रृंगार करना अच्छा जानता है, है? इस तन को भी वहीं से घुमा है, है? तो माने बिहार का नाम क्यों? बंगाल से तो माना होगा लेकिन बिहार का नाम क्यों? बिहार का नाम बाहर लाने वाला, यही तो बताया है। इन बाबा राम वाली आत्मा तो बिहार में नहीं जाते है ना? अच्छा ईस्टर्न जोन नहीं कहा जाता है? बंगाल बिहार को ईस्टर्न जोन का है। और हाँ,
भाई हंसमूर्ति कैसा सर? हंसमूर्ति कैसा सर? हंसमूर्ति हंस मोती चुंगता है और बगुले गंध खाते हैं। यहाँ भी जो बाप के बच्चे हैं, बाप के जो बच्चे बन चुके, जहां से जिस मुख से मोती निकलते हैं ज्ञान के, मोती कहां से निकलते हैं? पहाड़ से निकलते हैं कि सागर से निकलते हैं कि जमीन से निकलते हैं? है सागर से निकलते हैं। तो यहां भी जो मोती चुंगने वाले हंस हैं, वो ज्ञान सागर के मुख से निकले हुए मोती ही चुंगते हैं। अगर कोई दूसरा देहधारी उसको अपनी बात समझाना चाहे, समझाते हैं कि नहीं? अभी भी संगम युग में समझाने वाले गुरु लोग बन के बैठते हैं कि नहीं? गुरु बैठते हैं, उल्टी पलटी बातें सुनाते रहेंगे। तो उल्टी पलटी जो बातें सुनाते हैं वो मोती हैं, उनको मोती कहेंगे? ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। तो जो हंस हैं वो मोती ही चुंगेंगे, और मोती सिर्फ ज्ञान सागर के मुख से आते हैं। टुबके से नहीं आते, सागर से नहीं, वो तालाब से नहीं आते, नदियों से नहीं आते। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान सागर से ही ज्ञान आता है। और अज्ञान रूपी गंध कहां से आती है? अज्ञानियों से आती है, गुरुओं से आती है। तो जो हंस होते हैं उनकी पहचान बताई। यहां भी जो हंस बैठे हुए हैं वो कोई गुरु से नहीं सुनेंगे कान लगा के, और गुरु उनके मुंह में कहे किसी को बताना नहीं कि हमने बताया। बाप तो कहते हैं सबको ये ज्ञान सुनाओ, छुपाने की क्या बात। और एक बात अल्लाह ने बोला है कि वो जो बोलते सूर्यवंशी जो आत्माएं होती हैं वो बेसिक से, वो बेसिक में अग्नि जो थी वो निकल आई, माने जो निकल आई तो वो भगवत है। अभी बेसिक में कोई भी सूर्यवंशी आत्माएं नहीं है। हाँ, अभी क्या कभी नहीं होती है? मैंने सूर्य से तो रही होंगी ना। उनको डायरेक्ट ज्ञान सूर्य ने ज्ञान दिया कि चंद्रमा ने दिया? ये तो कहते सूर्य ने दिया। अभी वर्तमान, हाँ वर्तमान में भी जो बेसिक में आत्माएं आ रही हैं, एडवांस में आ रही है ना, तो वो ज्ञान चंद्रमा के बच्चों से सुन करके आ रही है या ज्ञान सूर्य से प्रैक्टिकल में सुन के आ रही है? ये जो पक्के सूर्यवंशी थे वो कब आ चुके बाबा? वो तो जा चुके आदि में ही, आ नहीं चुके। अभी जो आ रही है वो जो आ रही है वो चंद्रवंश से आ रही है, चंद्रमा के बच्चे बन के आ रही है। उनको सूर्यवंशी मानेंगे या नहीं? सूर्य क्यों मानेंगे, सूर्य है ही नहीं उधर। वो ज्ञान सूर्य उधर ज्ञान सुनाता है क्या? पहले सुनाता था, जिनसे सुनकर के आ रही है वो चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? हाँ तो चंद्र ही है। यहाँ आने के बाद भी, यहाँ आने के बाद सूर्य से सुनती है तो सूर्यवंशी है, यहाँ आने के बाद चंद्रमा से सुनती है क्या या सितारों से सुनती है क्या? वहां बेसिक में सितारों से भी सुनती है, और वहां जो दीदी दादियां दादाएं बैठे हैं वो चंद्रमा से भी सुना। तो चंद्रवंशी भी वहीं बैठे हैं और सितारावंशी भी वहीं बैठे हैं, लेकिन सूर्यवंशी वहां कोई नहीं होता। और बाबा जो डायरेक्ट सूर्य से सुनते हैं और ये बेसिक से सूर्य से सुनते हैं, उनमें क्या फर्क है? जो डायरेक्ट सूर्यवंशी हुए, हाँ, और जो बेसिक से सूर्यवंशी हुए उनमें क्या फर्क? बेसिक में है ही नहीं सूर्यवंशी। जो आके सूर्यवंश से सुने, सूर्य से सुनते हैं तो सूर्यवंशी है।
बेसिक से आए तो बेसिक में क्या सूर्य था? नहीं, वहां तो चंद्रमा था, सितारे थे, उनसे सुनकर आए। उनका दोनों का मैंने जो डायरेक्ट सूर्य से सुने वो दोनों बराबर हो गए क्या? पता नहीं बाबा, वो जो डायरेक्ट आता है ब्रह्म कुमारी से नहीं होगा है, तो डायरेक्ट ज्ञान में आता है बाबा। नहीं नहीं, जो सूर्य आता है वो सूर्य रहा ही नहीं। अगर बेसिक से आया है तो वो सूर्य है या कि शूद्र है? हैं? वो तो शूद्रवंशी है। उस शूद्र में आकर के पतित से पतित तमो प्रधान में आकर के वो ज्ञान सूर्य उसको सतो प्रधान बनाता है। उसको बेसिक में थोड़ा ही सूर्य कहेंगे। हाँ लेकिन बाबा उस बात कल आपने बोला गया कि जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो आ चुकी, अभी जो आ रही हैं वो पति सूर्यवंशी ने वो सब कन्वर्टेड होने वाली आत्माएं हैं। जो पक्के सूर्यवंशी थे वो कभी कोई यज्ञ के आदि में ही चले गए, आदि में ही तो चले गए ना। अभी जो आ रहे हैं उनको पक्के सूर्यवंशी नहीं मानेंगे? पतित सूर्यवंशी जो आ रहे हैं वहां से वो सूर्यवंशी नहीं है। सतयुग के आदि में सूर्यवंशी और कलयुग के अंत में क्या होते हैं? शूद्र होते हैं या सूर्यवंशी ब्राह्मण होते हैं? हैं? वो तो ब्राह्मण होते हैं पतित नीची कास्ट के। जो सूर्य डायरेक्ट से सुने तो सूर्यवंशी। तो बेसिक में सूर्य आता है क्या? आता ही नहीं। और बाबा मुरली में दादा लेखराज का नाम आया लेकिन शिवराम का नाम क्यों नहीं आया? मुरली में दादा लेखराज का नाम आया लेकिन शिवराम का नाम क्यों नहीं आया? मुरली किसके द्वारा चलाई गई? मुरली अज्ञानी के द्वारा चलाई गई या ज्ञान सूर्य के द्वारा चलाई गई? अज्ञानी के। तो फिर कहाँ से आएगा? बाप का नाम भी तो आना चाहिए। हाँ हाँ, बाप का नाम आता है, आता नहीं है? इशारा आता है, नाम तो नहीं आता है, है? इशारा आता है नाम तो, तो बाप इशारा ही देते हैं कि पार्टी भी नाम नाम सही तो बताते हैं है? क्या बोला? अरे अव्यक्त वाणी में क्या बोला? बाप तो देव आत्माओं को इशारा देते हैं। जो देव आत्मा है वो इशारे। वाह भाई वाह, ये तो समझ में आ गई बात। और जो राक्षस होते हैं वो पूछते ही रहेंगे, उनकी बुद्धि में इशारा बैठता ही नहीं, इशारे की बात नहीं समझेंगे। इसीलिए मुरली में बोला है जो देव आत्माएं हैं वो इशारे से समझती हैं, जो मनुष्य आत्माएं हैं वो कहने से समझती हैं, और जो गधे हैं वो ना इशारा समझेंगे न मुख से बोलने से समझेंगे, वो तो धोबी आके डंडा बजाएगा तब समझेंगे, तभी करेंगे। और बाबा पंचानंद ब्रह्म है, पंचानंद ब्रह्म है ना गायन? पंचानंद कौन कौन का? जिसका सर काटा जाता है। नहीं नहीं, पांच पांच ब्रह्म गाया है। पांच सात नहीं, पांच। पंचानन जो ब्रह्मा होता है उनमें एक सिर ऐसा है जो काटा जाता है। सिर काटा गया तो क्या क्या हो गया अलग अलग है? बुद्ध रूपी सर अलग हो गया और देवान देह अलग हो गई। तो अच्छी बात हुई या गलत बात हुई है? अच्छी बात हुई। किस किस का पार्ट है? शंकर ही है। नहीं वो पांच 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 ब्रह्म कौन कौन है? अरे विष्णु के चित्र में देखो ना, चार भुजाएं कौन कौन सी हैं? है ब्रह्मा सरस्वती दाई ओर के दो हाथ और
और दूसरी तरफ शंख किसके हाथ में? शंख फूंक दिया। अरे ज्ञान शंख सारी दुनिया में कौन फूंक देता है? हैं? लक्ष्मी। और नीचे का हाथ कमल फूल दिखा रहा है तो कीचड़ में रहने वाला वो पाटधारी कहां रहता है? गृहस्थियों की कीचड़ की दुनिया में रहता है। कीचड़ वाले धर्म कौन कौन से हैं? अरे हैं? हाँ, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी विदेशी हैं, विदेशी धर्म, वो सब क्या है? कीचड़ है। उन कीचड़ के धर्मों में वो जगत अम्बा पार्ट बजाती रहती है। सारी जगत की अम्बा है कि एक धर्म की अम्बा है? सारे धर्मों की अम्बा है। उसकी निशानी कोई है दुनिया में? अरे जगदम्बा की प्रैक्टिकल निशानी कोई दुनिया में है? अरे वाह भाई, है कमल का, कमल का फूल तो है ही है, लेकिन एक शहर है दिल्ली, ये दिल्ली की गोद में हर धर्म ने राजाई की है। जैसे बच्चा माँ की गोद में राजाई भोगता है, माँ की गोद का राजा है कि नहीं? टट्टी पेशाब भी कर देता है, अपने राज्य में कुछ भी करे, करे या ना करे, करे, वो तो राजा है। तो हर धर्म ने, दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जहां हर धर्म की आत्माओं ने राजाई की है, भले खून खराबा भी किया हो। किसने? नादर शाह। नादर शाह ने क्या किया? उसका नाम ही है नादर शाह। उसे दिल्ली के बादशाह की कोई डर था क्या? कोई डर नहीं था। लाल किले के पास ही चांदनी चौक में खूब कत्लेआम किया। ऐसी राजाई भी भोगी है दिल्ली की गोद में। तो वो दिल्ली से है कनेक्शन किसका? जगदम्बा का। वो जगदम्बा सब धर्मों की माता है। तो कीचड़ में रहेगी या नहीं रहेगी? कीचड़ के धर्मों में रहेगी या नहीं रहेगी? नास्तिक धर्म वाले भी उसके बच्चे हैं या नहीं है? है? उनकी भी पालना करेगी या नहीं करेगी? उनकी भी पालना करती है। नास्तिक धर्म वाले तो बिल्कुल कीचड़ हैं। बच्चा पैदा होता है, शिशु खाने में डाल दिया जाता है, 15-20 दिन के बाद ही जिससे बच्चा पैदा हुआ मां से वो अपने काम पर जाने लगती है, छुट्टी खत्म। शिशु खाने से बच्चा निकलता है, बड़ा होता है, स्कूल में डाल दिया जाता है, स्कूल से निकलता है, बड़े स्कूल में, यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाता है, वहां से निकलता है, ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल से निकलता है, नौकरी करो अपनी योग्यता की। अब उसे अपनी अम्मा का पता होगा है? नहीं पता होगा। 16-18 साल की अम्मा थी जब पैदा हुआ था, और बच्चा कितने साल का होता उस समय जब पैदा हुआ? 0 साल का। अब वो बच्चा 32 साल का हो गया, और अम्मा ना, बच्चा मां 32 साल की हो गई और बच्चा 16-18 साल का हुआ, और मां बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपनी मां को पहचानेगा?
नहीं पहचानेगा, नहीं पहचानेगा तो स्त्री पुरुष का आकर्षण होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। तो वो धर्म कैसा है, कीचड़ है या कमल है? कीचड़। लेकिन वो जगदम्बा ऐसों के बीच में भी पार्ट बजाती है, जो भारतवर्ष में गालियां दी जाती हैं। गालियां दी जाती हैं वो सच्ची दी जाती हैं? भक्ति मार्ग में गालियां देते हैं ना भगत लोग, अज्ञानी नहीं देते हैं? जब शादी मुरादी होती है तो भी बहुत गालियां चलती हैं। मादर डॉट डॉट डॉट, बहन डॉट डॉट डॉट, ऐसे गालियां देते कि नहीं? तो वो गालियां कहां की यादगार हैं? है कहां की यादगार हैं? इस संगम युग में ये गालियां हैं, इन गालियों का भी गायन है। लेकिन माता की जो बुद्धि है, वो माता की बुद्धि, जगदम्बा की बुद्धि जगत पिता के साथ जुटी रहती है, या उन कीचड़ में रहने वाले पैदा होने वाले बच्चों के साथ जुटी रहती है? जगत पिता के साथ जुटी रहती है। इसलिए मुरली बोला, चंडिका देवी का भी गायन होता है, उनका भी मेला लगता है। क्यों? क्योंकि चंडिका देवी ने भी जगत पिता के साथ बहुत मिलन मेला मनाया है, इसकी यादगार है वो मेला। हाँ, प्रश्न क्या था? पंचानन, तो उनमें एक आनन जगदम्बा का भी है। क्या? एक आनन माने मुख, जगदम्बा की भी यादगार है। एक हाथ, वो स्थूल हाथ है या आत्मा की यादगार है? कोई सहयोगी आत्मा की यादगार है। जो सहयोगी आत्मा कीचड़ की दुनिया में भी रह करके शिव बाबा को याद करती है, कमल फूल समान उसका जीवन है, अपने लक्ष्य में पक्की है। क्या लक्ष्य है उसका? जगदम्बा जब तमो प्रधान बन जाती है तो भी उसका लक्ष्य क्या है? तो बाप का परिचय देना। नहीं विनाश का काम किसके द्वारा कराता हूँ? शंकर द्वारा। शंकर विनाश करता है क्या? नहीं। किसके द्वारा विनाश होता है? असुर संहारकारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई हैं। तो वो शक्तियां नंबरवार हैं, उनमें एक तो बिल्कुल संहार करते हुए ही दिखाई जाती है, काटा काट काटा काट काटा काट। सर कटते जाते हैं, मुक्ति होती जाती है। और बाबा तो पांच आनन समझ लिए? कहां समझे बताओ, गिनाओ। एक ही जगदम्बा के सामने, एक जगदम्बा के पांच सिर हैं। हाँ, जगदम्बा का एक का समझ में आया, जगदम्बा एक का समझ। और जो ब्रह्मा सरस्वती हैं उनका समझ में नहीं आया? सरस्वती का ही समझ में नहीं आया। सरस्वती क्यों नहीं समझ में आया? वो चक्कर घुमाती है यूं यूं, विष्णु के हाथ में चक्कर दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे चक्कर दिखाया ज्ञान का कि नहीं दिखाया? ना तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? चित्र झूठा है क्या? है? अरे चित्र जो विष्णु को दिखाया है वो झूठा है सच्चा है? बाबा ने बनवाया या किसी मनुष्य ने बनवाया? बाबा ने बनवाया, तो चित्र तो सच्चाई है। क्या सच्चाई है उसमें? कि शक्तियों में एक सरस्वती ही ऐसी थी जिसने ज्ञान का मुख्य पॉइंट का चक्कर घुमाया। पहले पहले कौन सा चक्र है? हाँ, आत्मा। क्या आत्मा? कोई एक ऐसी आत्मा है
जो लाल लाइट का गोला है और उसमें शिव ज्योति बिंदु बैठा है, और बताया कि यज्ञ के आदि में लाल लाइट का गोला ही याद करते थे। तो मम्मा ने बताया लाल लाइट का गोला भगवान नहीं है, वो शिव नहीं है। जैसे हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, वैसे परमात्मा भी परमपिता भी ज्योति बिंदु है। ये ज्ञान का बड़े से बड़ा पॉइंट है या नहीं है? है, है? बहुत बड़ा पॉइंट है। इसकी ईजाद किसने की? मम्मा ने की। तो ज्ञान का चक्कर उनके हाथ उंगली में दे दिया। तो अब कितने हो गए, कितने आनंद हुए? अरे बता ना जल्दी जल्दी, हैं? पांच हो गए? कहां हुए पांच? तीन ही तो तुमने गिनाए, एक जगदम्बा, एक ब्रह्मा, एक सरस्वती, और चौथा प्रजापिता। वो कौन सी उंगली में, कौन से हाथ में? अरे प्रजापिता कौन से हाथ में, कौन सा हाथ है प्रजापिता की यादगार? हैं? हैं? शरीर को चलाने वाला, शरीर को चलाने, भुजाओं को चलाने वाला नहीं है? अच्छा भुजाएं तो चार बताई नहीं अभी, पहले चार भुजाएं तो बता दो। चौथी भुजा कौन? एक ब्रह्मा, एक ब्रह्मा, सरस्वती, खींच खींच के निकाल लो, जगदम्बा है, जगदम्बा, चौथा पांचवा, चौथा पांचवा नहीं, पहले चौथा बताओ है, लक्ष्मी, शंखनाद कर देती है। और उन चारों भुजाओं को चलाने वाला यहां बैठता है, वो कौन है? अरे उन चारों भुजाओं को चलाने वाला कौन है? अरे ये सारा ज्ञान किसके मुख से निकलता है? इन चार भुजाओं के मुख से निकलता है या उन चार भुजाओं के चलाने वाले के मुख से निकलता है? कौन है? है? हाँ, राम वाली आत्मा। तो पांच आनन हो गए, एक आनन कात आ जाता है, इसलिए चतुरानन भी कहते हैं और पंचानन भी कहते हैं। कौन मम्मा? सरस्वती मम्मा, छोटी अम्मा है कि बड़ी अम्मा? अरे सरस्वती छोटी अम्मा है या बड़ी अम्मा है? हैं? छोटी अम्मा, छोटी अम्मा में ही होगी, बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा में होगी। हाँ हाँ बाबा, विराट वस्तु एक कन्या सेवा के लिए काठमांडू में रहनी चाहिए। अरे ये पर्सनल बातें बाद में पूछ लेना है। बाबा, बाबा ने वार्तालाप में बुलाया कि जब ब्रह्मा का सब देखा, ब्रह्मा के सौ साल होते एक ईयर में, तो उसने उसी अनुसार अवश्य बाटी नहीं चलाया है। तो जब ब्रह्मा देखा, ब्रह्मा का सौ साल पूरा होता है एक ईयर में, तो उसने सीजनसार वो अव्यक्त बाटी नहीं चलाई। अव्यक्त बाणी नहीं चलाए। अव्यक्तवाणी नहीं चलाई, सौवें साल के बाद एक साल अव्यक्तवाणी नहीं चलाई, और सारी ताकत कहाँ लगा दी है? एडवांस पार्टी में लगा दी। बाबा इसका वो अव्यक्तवाणी का जो पॉइंट है ना, क्या है, क्या है बोलो, पढ़ के सुना दो। जहाँ भी जिस कोने में छड़े हुए बच्चे हैं, जहाँ आत्मा स्वामी पानी की है, इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहे शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्मा बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। अब दवाली 6:1:88 समझ में आ गया।
क्यों बाबा क्यों मिल रहा है पॉइंट मिल रहा है बाबा इनका इनका कहने का मतलब क्या है कि 88 में ब्रह्मा माउंट आबू से अद्वैत वाणी नहीं आया सारी ताकत एडवांस में लगा है लेकिन उस डेट का अद्वैत वाणी है उस डेट का अद्वैत वाणी है तो ये कोई निश्चित थोड़े ही है एक साल तक नहीं आया उस सीजन में आया हाँ और बाबा द्वापर कलयुग में जो भी धर्म बिताए होते हैं ना उनका ज्ञान के आधार से उनका मुकाबला रामकृष्ण वाली आत्मा भी नहीं कर पाते हैं द्वापर युग में तो उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है द्वापर युग में रावण राज्य होता है या राम राज्य होता है, है? रावण अनेक मुख वाला होता है या राम अनेक मुख वाला होता है रावण अनेक मुख वाला जब रावण राज्य होता है तो राम राज्य वाली आत्माएं नीचे जावेंगी या ऊपर रहेंगी है राम राज्य नीचे चला जाता है तो बाबा उसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है यहाँ शूटिंग नहीं होती है यहाँ रावण राज्य वाली आत्माएं अभी रावण राज्य चला रही है या हम राम राज्य में आ गए अभी हम कौन से राज्य में हैं तो ब्राह्मण ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं शिव बाबा को पहचानने वाले ब्राह्मण हैं लेकिन अभी हम रावण राज्य में हैं या राम राज्य में हैं राम राज्य में राम की आत्मा से तो पूछे तुम्हारी घरवाली कहाँ गई है हाँ रावण राज्य में है जब मुखिया ही रावण राज्य में है कंट्रोल में है रावण के तो सब रावण राज्य में ही है ना राम राज्य में कैसे होंगे हाँ बाबा एक बार तला में बोला कि राम वाली आत्मा का पहला जन्म ही वो विष्णु समान है और आखिरी जन्म भी है राम वाली आत्मा का पहला जन्म ही विष्णु समान है और आखिरी जन्म भी विष्णु समान है तो ये आदि में जो विष्णु है संबत एक 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 है या नहीं है है तो संबत एक 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 जब माना जाए तो आदि है या मध्य है या अंत है आदि है और जो आदि सो अंत ये नियम है या नहीं है है नियम है लेकिन आखिरी जन्म बोला गया है हाँ आदि में संबत एक 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 में वो जिस प्रवृत्ति मार्ग में है जिस आत्मा के साथ उसकी प्रवृत्ति पक्की हो जाती है अंतिम जन्म में भी वो ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आदि सो लेकिन फिर वो दूसरी तरफ बोला गया ना मैं नंबर वन पतित कामी काटी में प्रवेश करता हूँ तो ये बात दोनों तरफ का अरे दोनों तरफ प्रवृत्ति मार्ग में है अंतिम जन्म में उसी प्रवृत्ति मार्ग में है जिसमें आदि में था और भक्ति मार्ग में वो गौ को सब अंग अंग पूछते हैं लेकिन मुख को नहीं पूछते हैं गौआ गाय को जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि सब अंग अंग पूछते हैं लेकिन उसको मुख नहीं पूछते हैं पूजा नहीं होता है पूजा नहीं होता है क्यों मुख में मस्तक नहीं है क्या अरे मुख में मस्तक है या नहीं है मस्तक में तीन मूर्तियां रखी हुई होती हैं कि नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो ये कैसे कहते हैं कि मुख नहीं पूछते ऐसा बोलते हैं कि सब अंग पूछते हैं लेकिन मुख अशुद्ध होने के कारण नहीं पूछते मुख अशुद्ध होने के कारण नहीं पूछते मुख अशुद्ध होता है ऐसा बोलते हैं हाँ माने झूठा ज्ञान सुनाती है सच्चा ज्ञान सुनाती है जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है तमो प्रधान बनती है तो झूठा ज्ञान सुनाती है ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा बन के या सच्चा ज्ञान सुनाती है ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा झूठा ज्ञान सुना सकती हैं, ज्यादा ग्लानी कर सकती हैं, या उनकी अम्मा ज्यादा ग्लानी करेगी उनकी अम्मा ज्यादा ग्लानी करती है ग्लानी कर करके भगवान की भुजाओं को काट के और अपनी कमर को छुपा लेती है क्या अपनी कमर की जो लज्जा है वो किससे छुपाती है
भगवान की भुजाएं काट काट करके अपनी कर्म कहानी छुपा लेती है, उसको महाकाली कहा जाता है, महातमो प्रधान रूप। इतना तमो प्रधान रूप के शंकर जी भी मुकाबला नहीं करते। क्या करते हैं, क्या करते हैं शंकर जी है, मुकाबला करते हैं या धराशाई हो जाते हैं? धराशाई हो जाते हैं। और है कौन सी पर्वत? सर्वश्रेष्ठ पर्वत, हाँ श्रेष्ठ अंग, हाँ तमो प्रधान बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे अंग तो है, वो अंग सतो प्रधान बनता है या नहीं बनता है? सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान अंग, और तमो प्रधान दुनिया में तमो प्रधान। तमो प्रधान माने महा व्यभिचारी, इसलिए तो मुरली में बोला है 10-20-50 भूले रोज करते होंगे दृष्टि के। कौन? बच्चे। इतनी क्रम ललाई बनती है सारे दिन में। तो दृष्टि है तो श्रेष्ठ, क्यों? क्योंकि भगवान आकर के दृष्टि से ज्यादा बच्चों को दृष्टि के संग से पतित से पावन बना सकता है, या और कोई अंग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पतित से पावन बना सकता है? दृष्टि के द्वारा तो दूर बैठी हुई आत्माएं वो भी लाभ ले सकेंगी, और इंद्रियों के द्वारा 9 लाख जिनको कहा जाता है सतो प्रधान बनते हैं, सूर्यवंशी बनते हैं, वो और इंद्रियों के द्वारा बन सकते हैं क्या? संग का रंग लेकर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसलिए आंख ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानेंद्रियों में भी आंख सबसे श्रेष्ठ है। और बाबा ये जो भगवान की जो एक जाति की बात जो गायन है ना, तो गायन कहाँ है एक व्यापी का? भक्ति मार्ग में गायन है क्या? गायन तो है ही नहीं। ये व्यक्ति की जो बात है भगवान की, तो ये बात कैसे लागू होती है? क्योंकि वो बैल पर सवारी तो हमेशा नहीं होती है। बैल पर सवारी हमेशा नहीं होती है, इसका मतलब मनुष्य में तो सवारी होती है, बैल पे नहीं होती है। तो बैल का पार्ट किसका है? मंदिर में बैल भी दिखाया है, दिखाया है कि नहीं है? उस बैल पर हमेशा सवारी नहीं होती है। जब अम्मा का पार्ट बजाते हैं तब सवारी भी करते हैं। लेकिन बाद में आते हैं तब भी तो बोला जाता है कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ, वो किसी को नहीं पता चलता। तो अच्छा जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? कहते हैं तुम हमेशा ऐसे ही समझो इसमें शिव बाबा है, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो बोला गया, लेकिन जो जाता है तो पति जाता है तो कहाँ जाता है ये बात? वो कोई स्थूल चीज है जो जाता है और आता है, वो तो बुद्धि है। वो इस पुरानी दुनिया में आकर के पुराने शरीर में रहते हुए भी बुद्धि योग से कहाँ रहता है? सदैव परम धाम में वो पराम ही रहता है। जैसे प्रधानमंत्री विदेश में जाएगा तो दिल्ली से कनेक्शन रखेगा या नहीं रखेगा? है लगातार उसका कनेक्शन रहता है। तो लौकिक दुनिया में भी ऐसे होता है तो वो तो बेहद का बाप है। और बाबा शंकर के पैर में एक ही पायल दिखाया है। एक ही पैर दिखाया है? पायल है। शंकर के पैर में एक ही पायल दिखाया है। पायल नहीं, कड़ा है। क्या? शंकर के 2 पांव हैं, एक पांव में कड़ा पड़ा हुआ है,
जो जेल में लोग डाले जाते हैं उनके पांव में क्या डाला जाता है? कड़ा होता है कि नहीं? एक हथकड़ी कहते हैं और पांव में बेड़ी कहते हैं। तो ये बेड़ी एक पांव में है, दोनों पांव में बेड़ी नहीं है। और एक पांव कौन सा हुआ? शंकर प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? निवृत्ति मार्ग वाला है, प्रवृत्ति मार्ग वाला है। तो दो पांव हैं, जैसे तीन टांग की दौड़ होती है ना, तो दो को मिला देते हैं, ऐसे ही उसके एक पांव में बेड़ी है। क्या? जब दोनों पांव हो जाएंगे बिना बेड़ी वाले तो बैल पर सवार हो जाएगा, हाई जंप लगाएगा या नीचे रहेगा? हाई जंप लगा जाएगा। वो बेड़ी खत्म। बेड़ी जो किसके जिसके पांव में पड़ी होती है वो तीखी दौड़ दौड़ सकता है या नहीं दौड़ सकता है? है? नहीं दौड़ सकता, न दौड़ सके, इसीलिए पांव में बेड़ी डाली गई है। जेल में बेड़ी डाली जाती है ना, किस लिए डाली जाती है? कहीं भाग ना जाए। है? है? तो इसलिए बोला कि ये भाग जाएगा। इसका इशारा मुरली में भी अव्यतवाणी में भी दे दिया। क्या? बाप दादा चाहे तो है वापस जा सकते हैं परमधाम, तो भाग न जाए, इसलिए उसके पांव में बेड़ी पड़ी हुई है। इसलिए भक्ति मार्ग में एक टांग में बेड़ी दिखाते हैं। और महामुरली में जो संसद में ब्रह्मा के द्वारा जो बोली गई थी, जो बच्चे पहले मरे हुए हैं वो भी ज्ञान में आ सकते हैं, वो कोई 20-25 वर्ष के हो गए होंगे, मतलब जो बच्चे वो पहले पहले जो पुराने बच्चे थे वो जो मरे पड़े हैं वो इस ज्ञान में आ सकते हैं, वो अभी इस समय कोई 20-25 वर्ष के हो गए होंगे, तो ये बात रुद्रमाला के ऊपर लागू होती है विजय माला पर? किस पर लागू होती है? विजय माला के ऊपर लागू होती है रुद्रमाला के ऊपर? विजय माला मत कहो, बेसिक में लागू होती है या एडवांस में लागू होती है? जो 20 वर्ष वाली बात है वो इस पर वो जगदम्बा पर लागू होती है, तो उसका हिस्ट्री तो नहीं है बाबा? उसका हिस्ट्री तो नहीं है। उसकी हिस्ट्री नहीं है कमला देवी दीक्षित का, तो हिस्ट्री नहीं है। तो कमला देवी दीक्षित की हिस्ट्री होने की क्या जरूरत है? जो 20 वर्ष आया है तो उस समय वो किसको हम 20 वर्ष बोलेंगे? हाँ, जिससे जो 47 में रहे होंगे, जो 47 में बच्चे जिंदा होंगे उन्हीं के लिए 20 वर्ष बोला है। जो 25 वर्ष बोला उसको तो हम चलो जान गए कि 25 वर्ष वो तो 42 की बात हो गई। हाँ जी, वो तो जान गए, लेकिन जो 20 वर्ष बोला वो हम किसको जाने की 20 वर्ष के हो गए? उन्हीं को जाने जो उस समय से लेकर के जब वाणी चलाई गई है तब 20 वर्ष के रहे हो। उनका तो नाम ही नहीं है, नाम नहीं है, तो वो उस हर चीज को नाम सहित बताया जाएगा या उसकी तफ्तीश की जाएगी? अभी ये बड़ी मम्मी का उम्र तो उतना नहीं है ना। तुम बड़ी मम्मी के पीछे क्यों पड़े हो? छोटी मम्मी की तो बात हो सकती है। बाबा ने बोला कि वो पहले रुद्रमाला पर लागू होती है ना, जो भी बात पहले बोली जाती है वो पहले रुद्रमाला के ऊपर लागू होती है। हाँ, तो छोटी मम्मी का वही नहीं करता है? तो वो बच्चे नहीं थे? थे तो बच्चे, लेकिन वो पहले तो रुद्रमाला पर लागू होती है ना। रुद्रमाला पर लागू होती है? रुद्रमाला थी उस समय? कोई रुद्र बने थे? निराकारी स्टेज वाले बने थे कोई? रुद्र किसको कहा जाता है? जो रौद्र रूप धारण करे। तो रौद्र जब विनाश होता है तब धारण करते हैं या पहले धारण करते हैं? है? और लेकिन बाबा जी, बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी का जो उम्र का अंतर है तो इसका क्या ऐसा कुछ? क्या ऐसा कुछ? मैंने तो छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी का जो उम्र का अंतर है तो बड़ी मम्मी तो ज्यादा उम्र का होना चाहिए। बड़ी उम्र क्या? उम्र से बड़ी मम्मी ज्यादा होती है? यहाँ ज्ञान में बड़ा उम्र से कहा जाता है या ज्ञान के आधार पर बड़ा कहा जाता है? ये तो बुद्धू है। नहीं बाबा, जो बड़ी मम्मी बीच में शरीर छोड़ी उसका प्रूफ क्या है बाबा? बड़ी मम्मी पार्ट किसका लागू होता है?
कमला देवी दीक्षित हुआ। तो फिर तो शरीर छोड़ा या बिना छोड़े आ गई है? शरीर छोड़ा लेकिन इसका तो तीन जन्म भी हो सकता है ना? हो सकता है, क्या कौन मना करता है कि नहीं हो सकता। इसका प्रूफ भी चाहिए बाबा। अरे हो गया ना प्रूफ। ऐसी ऐसी बच्चियां जो मम्मा बाबा को भी ज्ञान सुनाती थी, तो दो हैं या चार हैं या एक है, कितनी है? अनेक हैं, अनेक हैं। अरे वो अनेक बच्चियां हैं या दो हैं? दो हैं। साबित नहीं होता है? और हाँ बोलो 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 बाबा। अभी हमारे समझ में नहीं आया, वो जो छोटी मम्मी का जो उम्र है उसका तो ज्यादा है, बड़ी मम्मी का कम है बाबा। तो उम्र से नहीं होता है छोटा बड़ा। बीच में जन्म हुआ होगा ना? हाँ हुआ जन्म, कौन मना करता है नहीं हुआ। तो उसको कोई प्रूफ वगैरह होना चाहिए ना? प्रूफ हो गया ना। ऐसी ऐसी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा को भी ज्ञान सुनाती थी। बीच का जो जन्म था उसका क्या नाम था, क्या रूप होना चाहिए? बाबा नाम रूप बताते हैं क्या? बाबा ने तो बोल दिया मैं चित्र पर या बोर्ड पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि किसका क्या पार्ट है। ये पार्ट तुम बच्चे अपने मनन चिंतन मंथन के आधार पर निकालेंगे या मैं बताऊंगा, क्या होगा? अपने अपने मनन चिंतन मंथन के आधार पर सागर मंथन करेंगे तो नई नई बातें निकलेंगी। नंबर वार पार्ट प्रत्यक्ष होंगे कि एकदम प्रत्यक्ष हो जाएंगे? छोटी मम्मी और बड़ी मम्मी में ज्यादा सेवा किसने की है? अरे अरे सेवा के आधार पर पद बनता है या मुंह बक्का के आधार पर पद बन जाता है? सेवा के आधार पर पद बनता है। तो बड़ा पद किसका है, छोटी का कि बड़ी का? बड़ी का पद है, बड़ा है। माला जब बनेगी तो माला में, विजय माला में कौन सी नंबर पहले है? छोटी मम्मी पहले। जो बड़ा काम करके दिखाए वो बड़ा। नाम ही रख दिया छोट झूठी गीता और सच्ची गीता, तो कौन सी बड़ी हुई? सच्ची गीता बड़ी हुई। अरे कृष्ण वाली आत्मा जो सत्युग में जन्म लेगी, रचना बनेगी, वो छोटी मम्मी की बनेगी कि बड़ी मम्मी की बनेगी? है बड़ी मम्मी की बनेगी। किसकी बनेगी? छोटी मम्मी की रचना बनेगी। तो संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा ने दिल के अंदर जो निश्चय बैठाया कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, वो किसके द्वारा निश्चय बैठा होगा? छोटी मम्मी के द्वारा बैठा है। बड़ी मम्मी बड़ बोली के मुख से बोलने से ब्रह्मा बाबा नहीं समझे, किसके आधार पर उनको निश्चय हुआ? छोटी मम्मी के आधार पर निश्चय हुआ। और बाबा जो धर्म पिता के जो बीज रूप के बाप होते हैं वो पहला अष्टदेव होता है या और धर्म के जो पूर्वज अष्टदेव होते हैं वो होते हैं? धर्म पिता है बीज रूप के बाप होते हैं? नहीं, जो धर्म पिता के बीज रूप के भी बाप होते हैं वो पहला अष्टदेव होता है या और धर्म के अष्टदेव होते हैं? धर्म पिता तो खुद ही बीज है, वो तो है, लेकिन उनका जो बाप का बाप होता है वो राम वाली आत्मा होती है या और अष्टदेव होते हैं? जो जिस धर्म का बाप होगा उसका बाबा भी तो उसी धर्म का होगा। बिंदुसार राम वाली आत्मा या और वो कौन से धर्म का है? तो फिर बौद्धी धर्म का ही बीज होगा, बाप होगा। राम वाली आत्मा क्यों होगी? वो तो सूर्यवंश की बाप है। और हाँ साढ़े चार हो गए, घर है जान की सुध आ रही है।